स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? स्वागत है आपका हमारे चैनल एडुगॉब में। तो आज हम क्लास नाइन्थ मोमेंट्स बुक से एक चैप्टर करेंगे, द हैप्पी प्रिंस। मोमेंट्स बुक और क्लास नाइन्थ की बी हाइव एनसीईआरटी से ऑलरेडी बहुत सारे चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन वीडियोस मैं चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियोस के एक्सप्लेनेशन को देखिए, आपको सारे चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एडुकॉम। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं द हैप्पी प्रिंस। द हैप्पी प्रिंस वॉज अ ब्यूटिफुल स्टैचू, ही वॉज कवर्ड विद गोल्ड, ही हैड सफायर्स फॉर आईज and a ruby in his sword. Why did he want to part with all the gold that he had and his precious stones? So यहाँ पर chapter जो है, उस chapter का नाम है happy prince, यानी कि एक खुश रहने वाला राजकुमार। तो वो बता रहा है chapter के starting में कि happy prince एक beautiful statue है और वो पूरा का पूरा gold से covered है। उसकी आइज के लिए सफायर्स, जो कि प्रेशियस जेमस्टोन होते हैं, उसको यूज़ किया गया है, और उसकी जो तलवार है, सॉर्ड है, उसमें रूबी है। तो अब एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, व्हाई डिड ही वांट टू पार्ट विद। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पार्ट विद? पार्ट विद मीन्स किसी चीज़ को छोड़ना। तो कह रहा है कि वो ये सारी चीज़ों को, जितना भी गोल्ड है, जितने भी प्रेशियस स्टोन्स हैं, उन सबको छोड़ना क्यों चाहता है। तो ये हम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तो हमें एट द एंड ऑफ द स्टोरी मालूम चलेगा कि ऐसा क्या हुआ इस हैप्पी प्रिंस के साथ। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे कि जब भी कोई चैप्टर की एक्सप्लेनेशन वीडियो में डालती हूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। High above the city on a tall column stood the statue of the happy prince. कह रहा है शहर में एक सबसे टॉल कॉलम पर क्या है, हैप्पी प्रिंस का स्टैचू है और वो पूरा का पूरा फाइन गोल्ड से कवर्ड है। आइज के लिए टू ब्राइट सफायर्स का यूज़ किया गया है और एक लार्ज कलर का, रेड कलर का लार्ज रेड रूबी जो है उसकी सॉर्ड की हिल्ट में लगाया हुआ है। सॉर्ड हिल्ट क्या होती है? तलवार की मयान, केस जो होता है उसमें। वन नाइट देयर फ्लू ओवर द सिटी अ लिटिल स्वालो, एक लिटिल स्वालो, एक छोटी सी बर्ड जो है उस रात को शहर में आती है। उसके फ्रेंड्स जो हैं वो इजिप्ट जा चुके हैं 6 हफ्ते पहले, लेकिन ये जो बर्ड है लिटिल स्वालो, ये अभी भी यहीं पर रह गई है और इसने भी डिसाइड किया है कि ये भी जल्द ही इजिप्ट चली जाएगी अपने फैमिली और फ्रेंड्स के पास। सो ऑल डे लॉन्ग ही फ्लू एंड एट नाइट टाइम ही अराइव्ड एट द सिटी। तो दिन में ये जो लिटिल स्वालो बर्ड है वो पूरा घूमती है, आकाश में उड़ती है, लेकिन रात के समय शहर में आ जाती है और यहाँ पर वो कहती है वेयर शैल आई पुट अप, यानी मैं कहाँ पर ठहरूंगी। Then he saw the statue on the tall column. और फिर उसकी नज़र पड़ती है इस tall column के statue पर। I will put up there. It is a fine position with plenty of fresh air. तो वो कहती है कि मैं यहाँ पर ठहर सकती हूँ, थोड़ा आराम कर सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी fresh air होगी, क्योंकि ये statue जो है वो prince का statue है, तो obviously क्या है, वो ऊंचाई पर है। सो ही अलाइटेड जस्ट बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस। तो यहाँ पर जो हैप्पी प्रिंस के फीट हैं वहीं पर ये क्या करती है, बर्ड रुक जाती है। आई हैव अ गोल्डन बेडरूम, और वो अपने आप से ही कहती है कि देखो मेरे पास तो गोल्डन बेडरूम है। अब गोल्डन कैसे हो गया, क्योंकि ये जो स्टैचू है इट इज कवर्ड विद गोल्ड लीव्स। सो नाउ This little swallow bird was all ready to go to sleep. लेकिन जैसे ही वो अपने wings के अंदर अपना head को डालती है, सोने की कोशिश करती है, a large drop of water fell on him. एक पानी की बहुत बड़ी drop उस पर गिरती है. What a curious thing. तो वो कहती है ये क्या हो गया, आकाश में तो बादल नज़र नहीं आ रहे थे, stars are quite clear,
एंड दे आर ब्राइट, तो अब ये बारिश कहाँ से स्टार्ट हो गई? फिर दूसरा ड्रॉप गिरता है, व्हाट इज द यूज ऑफ अ स्टैचू इफ इट कैन नॉट कीप द रेन ऑफ। और फिर लिटिल स्वालो बर्ड कहती है कि स्टैचू का क्या फ़ायदा जब ये मुझे बारिश से प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, आई मस्ट लुक फॉर अ गुड चिमनी पॉट। और फिर वो कहती है कि मैं एक कोई अच्छा सा चिमनी पॉट ढूंढ लेती हूँ और वहाँ पर आराम करने के लिए जाती हूँ। सो एज सून एज ही वॉज डिटरमिंड टू फ्लाई अवे, तो वो रेडी हो जाती है चिमनी पॉट की तरफ जाने के लिए। और जैसे ही वो अपने पंख खोलती है, तीसरी बूंद गिरती है और फिर ये ऊपर देखती है और ये क्या देखती है, द आईज ऑफ द हैप्पी प्रिंस वर फिल्ड विद टीयर्स एंड टीयर्स वर रनिंग डाउन हिज गोल्डन चीक्स। तो हैप्पी प्रिंस की आंखें जो थी वो आंसुओं से भरी हुई थी और झर झर करके उसके आंसू बह रहे थे। हिज फेस वॉज सो ब्यूटिफुल इन द मून लाइट दैट द लिटिल स्वालो वॉज फिल्ड विद पिटी। तो उसका फेस जो था चांदनी रात में इतना प्यारा और इतना चमक रहा था और फिर उसके आंखों से आंसू भी गिर रहे थे, तो इस लिटिल स्वालो बर्ड को बहुत दया आ जाती है। पिटी मतलब दया आना। हु आर यू? आई एम द हैप्पी प्रिंस, व्हाई आर यू वीपिंग देन? तो वो स्वालो पूछती है कौन हो तुम? तो ये कहता है मैं तो हैप्पी प्रिंस हूँ। कहता है हैप्पी हो तो रो क्यों रहे हो? यू हैव क्वाइट ड्रेंच्ड मी, तुमने तो मुझे भिगो दिया। व्हेन आई वाज अलाइव एंड हैड अ ह्यूमन हार्ट आई डिड नॉट नो व्हाट टीयर्स वर फॉर आई लिव्ड इन द पैलेस वेयर सॉरो इज नॉट अलाउड टू एंटर। तो अब हैप्पी प्रिंस बताता है कि जब मैं जिंदा था मेरा ह्यूमन हार्ट था, नॉर्मली जैसे मैं इंसान था, मैं जिंदा था, तो मुझे नहीं मालूम था दुख दर्द क्या होता है, क्योंकि मैं महलों में रहता था और महलों में दुख दर्द नहीं एंटर करता। जितने भी मेरे दरबारी थे, मेरे मंत्री थे, वो मुझे हैप्पी प्रिंस बुलाते थे क्योंकि मैं हमेशा खुश रहता था। मुझे नहीं पता था कि दुख, कष्ट, रोना ये सब क्या होता है। सो आई लिव्ड एंड सो आई डाइड, और खुशी खुशी में रहा और मर गया। एंड नाउ दैट आई एम डेड, तो उन्होंने मुझे इस तरीके से मेरा स्टैचू बना के मुझे शहर में बीचों बीच इतना ऊंचाई पर मेरा स्टैचू बना दिया है और मुझे पूरा शहर का नज़ारा दिखता है। और मुझे दिखता क्या है? द अग्लीनेस एंड ऑल द मिजरी ऑफ माई सिटी। मेरे शहर में लोग परेशान हैं, लोग दुखी हैं, सैडनेस है, तो वो सारी चीज़ें अब मुझे नज़र आती हैं। जब मैं ज़िंदा था तो मैं बहुत खुश था और मुझे नहीं मालूम था कि दुख दर्द होता क्या है, लेकिन अब मरने के बाद मेरा स्टैचू बना दिया है और मुझे ये पूरे शहर की ये सारी चीज़ें नज़र आती हैं। एंड दो माई हार्ट इज मेड ऑफ लेड येट आई कैन नॉट चूज बट वी। सो व्हेन ही वाज अलाइव ही हैड अ ह्यूमन हार्ट, बट नाउ हैप्पी प्रिंस इज नाउ अ स्टैचू, सो हिज हार्ट इज मेड ऑफ लेड। और अब उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, बस वो क्या करता है? रोता रहता है। वॉट इज ही नॉट सॉलिड गोल्ड? तो स्वालो अपने आप से बोलता है कि क्या ये तुम्हारा हार्ट लेड का बनाया है, सॉलिड गोल्ड का नहीं? वो पर्सनली कोई रिमार्क नहीं करती, लेकिन वो अपने आप से ये बात को पूछती है। फार अवे कंटिन्यू द स्टैचू इन अ लो म्यूजिकल वॉइस। अब ये अपनी जो हैप्पी प्रिंस है अपनी बातें को आगे कंटिन्यू रखता है, स्वालो को अपनी सारी चीज़ें बताना शुरू करता है। तो वो कहता है बहुत दूर एक स्ट्रीट है, वहाँ पे एक छोटा सा घर है एंड द पीपल आर पुअर इन देयर इन दैट हाउस। सो वन ऑफ द विंडोज इज ओपन, और एक खिड़की खुली है और उसमें से जो हैप्पी प्रिंस है वो कहता है मैं देख सकता हूँ कि एक वुमेन है वो टेबल पर बैठी है। उसका फेस बहुत थिन है एंड शी हैज कोर्स रेड हैंड्स, और उसके जो हाथ हैं वो रेड हैं। रेड क्यों हो गए हैं? क्योंकि वो सीम स्ट्रेस है, कपड़े वगैरह सिलने का काम करती है, तो नीडल जो सुई होती है, क्योंकि पूरा दिन सुई से काम करते हैं और हाथ जो है उसके बहुत ज़्यादा खराब हो गए हैं इस वजह से। और वो क्या कर रही है? वो फ्लावर्स एम्ब्रॉयडरी कर रही है सैटन गाउन पर क्वीन मेड ऑफ ऑनर के, क्वीन के लिए एक सैटन गाउन तैयार कर रही है और उस पर फ्लावर्स की एम्ब्रॉयडरी कर रही है, और उसके हाथ बहुत ज़्यादा कोर्स
बहुत ज़्यादा रेड हो चुके हैं और नीडल से उसके हाथ खराब हो चुके हैं। इन अ बेड इन द कॉर्नर, और उसी रूम के एक कॉर्नर में एक बिस्तर है जहाँ पर एक छोटा बच्चा बीमार पड़ा हुआ है, उसको बुखार है और वो अपनी माँ से ऑरेंजेस की डिमांड कर रहा है कि मम्मी मुझे ऑरेंजेस चाहिए, और वो कैसा है, वो बीमार। उसकी जो माँ है ये सीमस्ट्रेस, उसके पास कुछ भी नहीं है देने के लिए बट रिवर वाटर, तो वो सिर्फ नदी का पानी उसको दे सकती है और उसके पास कुछ भी नहीं है। तो वो लड़का जो है बीमार है, बुखार से तड़प रहा है और रोता है। स्वालो स्वालो लिटिल स्वालो, विल यू नॉट ब्रिंग हर द रूबी आउट ऑफ माई सॉट हिल्ट। तो वो स्वालो से रिक्वेस्ट करता है, कौन, हैप्पी प्रिंस, कहता है कि रूबी, ये जो रूबी लगा हुआ है मेरी तलवार की मयान में, रूबी है, इसको आप निकालो। माय फीट आर फास्टन टू दिस पेडेस्टल एंड आई कैन नॉट मूव, मेरे तो पैर जो हैं इस पेडेस्टल पे चिपके हुए हैं, सीमेंटेड हैं, मैं तो मूव नहीं कर सकता हूँ, तो तुम निकालो इस रूबी को। अब स्वालो कहती है, आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट, माई फ्रेंड्स आर फ्लाइंग अप एंड डाउन द नाइल एंड टॉकिंग टू द लार्ज लोटस फ्लावर्स सो दे विल गो टू स्लीप। तो वो स्वालो मतलब एक तरीके से एक्सक्यूज दे देती है और वो कहती है कि मेरा तो इंतज़ार किया जा रहा है, मेरे फैमिली फ्रेंड्स जो हैं 6 हफ्ता पहले ही इजिप्ट जा चुके हैं, अब मेरी बारी है, और वो लोग नाइल नदी के आसपास ब्रीडिंग कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता होगा जब ठंड हो जाती है तो बर्ड्स माइग्रेट करती हैं, तो इजिप्ट गर्म देश है तो वहाँ पर ये बर्ड्स जो हैं जा चुकी हैं, स्वालो बर्ड, और अब इसकी बारी थी, ये नहीं जा पाई थी, तो वो उसको बोलती है कि मेरा तो वहाँ पर वेट हो रहा है। प्रिंस स्वालो को बोलता है कि बस एक रात के लिए यहाँ पर रुक जाओ, मेरी मैसेंजर बनकर प्लीज़ इस लड़के की, इस सीमस्ट्रेस की मदद कर दो। आई डोंट थिंक आई लाइक बॉयज, अब वो फिर से बहाना मार देती है कि मुझे नहीं लगता कि मुझे ये लड़के पसंद हैं और मुझे इजिप्ट जाना है। हैप्पी प्रिंस बहुत सैड फील करता है और लिटिल स्वालो जब उसको देखती है तो उसे फिर से दया आ जाती है। इट इज़ वेरी कोल्ड हियर बट ही एग्रीड टू स्टे विद हिम फॉर वन नाइट एंड बी हिज मैसेंजर। लेकिन हैप्पी प्रिंस बोलता है स्वालो से, सिर्फ एक बार मेरी हेल्प कर दो, आज रात के लिए मैसेंजर बन के तुम मेरा ये काम, मैसेंजर एक हेल्पर बन के तुम मेरा ये काम कर दो। थैंक यू लिटिल स्वालो, सेड द प्रिंस। स्वालो वो ग्रेट रूबी प्रिंस की तलवार से निकाल कर अपनी चोंच में लेकर उस तरफ उड़ती है एंड ही पास्ड बाय द कैथेड्रल टावर, वाइट मार्बल एंजल्स, और वो पूरे शहर की तरफ उड़कर कहाँ पहुँचती है, उसी जगह पर जहाँ पर हैप्पी प्रिंस ने ये औरत और ये बेटा दिखाई होते हैं। सो ही पास्ड ओवर द रिवर एंड सॉ द लैंटर्न्स हैंगिंग ऑन द मास्ट ऑफ द शिप एंड एट लास्ट जो स्वालो होती है वो पुअर वुमेन के घर पर पहुंचती है। बॉय बहुत बीमार था, फीवरिशली था, बेड पर था, और मदर जो है वो बेचारी टेबल पर ही इतनी ज़्यादा थक गई थी कि वो टेबल पर ही सर रख कर सो गई। इन ही होप्ड एंड लेट द ग्रेट रूबी, और उसी तरीके से क्या करा, स्वालो एकदम से आती है और जो वो रूबी निकाल कर लाती है वो वुमेन के टेबल पर रख देती है। देन ही फ्लू gently round the bed, fanning the boy's forehead with his wings. How cool I feel! I must be getting better. And he sank into a delicious slumber. और वो जो boy है वो बहुत cool feel करता है। वो क्या करती है, अपने पंखों से boy के forehead पर अपने wings से हवा कर जाती है और वो लड़के को बहुत अच्छा feel होता है। फिर वो वापस happy prince के पास आती है और उसको बता देती है कि देखो मैंने तुम्हारा काम कर दिया, मैं वो रूबी उस औरत के टेबल पर रख के आ गई हूँ। दैट इज बिकॉज यू हैव डन अ गुड एक्शन, अब वो कहती है स्वालो, आई एम फीलिंग क्वाइट वार्म नाउ ऑल्दो इट इज सो कोल्ड। तो स्वालो बर्ड बोलती है कि इतनी सर्दी के बावजूद मुझे थोड़ी सी गर्माहट महसूस हो रही है। तो प्रिंस कहता है वो इसीलिए हो रही है क्योंकि तुमने एक अच्छा काम किया है, यू हैव डन अ
good action, a good karma. And the little swallow began to think and then fell asleep. और क्या करती है अब little swallow? सो जाती है. अब अगली सुबह होती है तो फिर से वो पूरे शहर में उड़ती है, उड़ती फिरती है, had a bath and tonight I go to Egypt. और वो decide कर लेती है कि आज रात को मैं Egypt चली जाऊंगी. Egypt में मेरे friends and relatives मेरा wait कर रहे हैं. He was in high spirits at the prospect. और वो बहुत ज़्यादा खुश होती है. He visited all the monuments and sat a long time on top of the church steeple. वो पूरा शहर भर घूमती है और जैसे ही शाम होने को आती है वो फिर से क्या करती है, हैप्पी प्रिंस के पास जाती है और वो कहती है आई एम जस्ट स्टार्टिंग. वो उसको बताती है कि देखो मैं जाने लगी हूँ, मेरा इंतज़ार हो रहा है इजिप्ट में, मैं तुमसे मिलने आई. स्वालो स्वालो लिटिल स्वालो, फार अवे अक्रॉस द सिटी आई सी अ यंग मैन इन अ गैरेज. तो वो बोलती है कि अब ये जब बताने आती है तो प्रिंस फिर से कहता है कि फार अक्रॉस द सिटी एक यंग मैन है गैरेट में और उसके डेस्क पर बहुत सारे पेपर्स पड़े हैं और उसी के साइड में अ बंच ऑफ विदर्ड वॉयलेट्स हैं. विदर्ड यानी बिल्कुल मुरझाए हुए वॉयलेट्स हैं. वॉयलेट्स होते हैं एक फ्लावर्स होते हैं, जैसे हमारे पास बहुत सारे रोज होते हैं, ठीक है, लिली होते हैं, ऐसे ही वॉयलेट भी इज अ टाइप ऑफ फ्लावर. हिज हेयर इज ब्राउन एंड क्रिस्प and lips are red as pomegranate and he has large and dreamy eyes. तो प्रिंस बताता है कि उसके बाल ब्राउन हो रहे हैं, उसके लिप्स एकदम अनार की तरह रेड हो रहे हैं और उसकी लार्ज और ड्रीमी आईज है. एंड ही इज ट्राइंग टू फिनिश अ प्ले, और वो थिएटर के लिए प्ले लिखता है, नाटक लिखता है. ही इज अ प्ले राइट, और वो प्ले ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है. प्ले लिखता है और प्ले लिखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इतनी ठंड है कि वो उसके जो हाथ हैं वो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो ग्रेट है वहाँ पर बिल्कुल भी फायर नहीं है और भूख की वजह से वो फेंट हो चुका है, बेहोश हो गया. आई विल वेट विद यू वन नाइट लॉन्गर. स्वालो बोलती है चलो एक रात और मैं तुम्हारे साथ वेट करती हूँ. हु रियली हैड अ गुड हार्ट, ही आस्क्ड इफ ही शुड टेक अनदर रूबी टू द यंग प्लेराइट. तो बोलती है क्या एक और रूबी लेकर जाना है इस लड़के के पास. तो प्रिंस कहता है अब मेरे पास कोई रूबी नहीं है, अब मेरे पास मेरी सिर्फ आंखें बची हैं. तो ये सफायर्स की बनी है. सफायर्स एक तरीके का ग्रीन प्रेशियस जेमस्टोन होता है. तो कह रहा है इंडिया से लेकर आए थे, और वो ऑर्डर करता है किसको, स्वालो को, कि उसमें से एक सफायर तुम ले जाओ और इस लड़के को दे दो. ये बेचकर ये कुछ लकड़ियाँ खरीदेगा, ग्रेट में जलाएगा और उसके जब उसका रूम गर्म हो जाएगा तो उसको ठंड नहीं लगेगी और ये अपना प्ले कंप्लीट कर पाएगा. डियर प्रिंस आई कैन नॉट डू दैट एंड ही बिगेन टू वीप. तो वो कहती है प्रिंस मैं ऐसे नहीं कर सकती, मैं आपकी आँख कैसे ले सकती हूँ. और ये बेचारी स्वालो रोने लगती है, लेकिन प्रिंस कहता है मैं जैसा कमांड दे रहा हूँ वैसा ही करो. तो स्वालो उस प्रिंस की एक आँख को निकालती है जो कि किसकी बनी है, ग्रीन जेमस्टोन यानी सफायर्स, और उस यंग मैन को दे आती है. आई एम बिगिनिंग टू बी अप्रिशिएटेड, दिस इज फ्रॉम सम ग्रेट एडमायरर. और यंग मैन को जैसे ही ये सफायर मिलता है वो बहुत खुश हो जाता है और अपना डिसाइड कर लेता है कि अब वो जल्दी से अपने प्ले को फिनिश कर लेगा. तो वो काफ़ी हैप्पी हो जाता है. अब अगले दिन स्वालो जो है ही फ्लू डाउन टू द हार्बर, ही सैट ऑन अ मास्ट ऑफ अ लार्ज वेसल. तो एक बड़ी सी शिप के मास्ट पर वो बैठ जाती है और क्या करती, सेलर्स को देखती है और वो कहती है मनी बन कि आज मैं इजिप्ट चली जाऊंगी. बट नोबडी माइंडेड एंड व्हेन द मून रोज ही फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस. और जैसे ही शाम या रात होने का वक्त आ जाता है तो वो क्या करती है, वापस से हैप्पी प्रिंस के पास चली जाती है और कहती है मैं तुमको अलविदा कहने आई हूँ, अब
प्रिंस फिर उसको रोक लेता है, कहता है क्या तुम प्लीज़ मेरे साथ एक रात और रुक जाओगी। इट इज़ विंटर। अब स्वालो कहती है कि बहुत सर्दी है और बहुत जल्द बर्फ पड़ने लगेगी। इजिप्ट में गर्माहट है, ग्रीन पाम ट्रीज हैं, क्रोकोडाइल्स हैं और मेरे को बहुत मन है कि मैं वहाँ जल्द से जल्द पहुँच जाऊँ। तो प्रिंस कहता है कि एक वहाँ स्ट्रीट पर देयर स्टैंड्स अ लिटिल मैच गर्ल, एक माचिस बेचने वाली लड़की है छोटी सी, और उसके माचिस जो हैं, मैच स्टिक्स जो हैं, वो गटर में गिर गए हैं और वो सब गीले होकर ख़राब हो गए हैं। अब अगर उसके पिता को पता चलेगा कि उसने बेचे नहीं और घर में कुछ पैसे नहीं लेकर आई है तो उसके पिता उसको बहुत मारेंगे। इस वजह से वो लड़की परेशान है और रो रही है और उसके पैर में जूते भी नहीं है, इतनी ठंड में स्टॉकिंग्स भी नहीं है और उसका जो सर है वो भी ढका हुआ नहीं है। प्लक आउट माई अदर आई एंड गिव इट टू हर एंड अ फादर विल नॉट बीट हर। तो अब वो स्वालो को कमांड देता है कि अब आप क्या करो, आप मेरी दूसरी आँख भी निकालो, वो भी किसकी बनी थी, सफायर्स की, आप वो भी निकाल कर उस लड़की को दे आओ जिससे उसके पिता उसको नाराज नहीं होंगे, मानेंगे नहीं। आई विल स्टे विद यू वन नाइट लॉन्गर। तो वो स्वालो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ एक रात और रुक जाऊंगी लेकिन मैं तुम्हारी दूसरी आँख नहीं निकालूंगी, तुम तो अंधे हो जाओगे। तो वो कमांड देता है, कहता है नहीं, जैसा मैं कह रहा हूँ ऐसा करो, मैं प्रिंस हूँ। तो वो प्रिंस की दूसरी आँख भी निकालती है और उस लड़की को दे आती है। वॉट अ लवली बिट ऑफ ग्लास एंड शी रैन होम लाफिंग। वो लड़की खुश होकर अपने घर चली जाती है। देन द स्वालो केम बैक टू द प्रिंस और स्वालो एक बहुत टफ डिसीजन लेती है। वो हैप्पी प्रिंस को बोलती है, नाउ एज यू आर ब्लाइंड सो आई एम गोइंग टू स्टे विद यू ऑलवेज। तो वो कहती है क्योंकि अब तुम अंधे हो चुके हो तो अब जीवन भर में तुम्हारे साथ ही रहूँगी। पुअर प्रिंस कहता है नहीं स्वालो, तुम इजिप्ट जाओ, तुम्हारे फ्रेंड्स एंड फैमिली वहाँ पर वेट कर रही है। लेकिन स्वालो ने डिसीजन ले लिया है और वो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी और वो प्रिंस के पैरों पर जाकर सो जाती है। ऑल द नेक्स्ट डे प्रिंस के शोल्डर पर बैठती है और उसको, क्योंकि अब तो प्रिंस की आँखें नहीं हैं तो वो सिटी में जो भी चल रहा है वो नहीं देख सकता, तो ये जो स्वालो बर्ड है वो प्रिंस के शोल्डर पर बैठकर पूरे शहर में जो जो हो रहा है वो हैप्पी प्रिंस को बताती है। डियर लिटिल स्वालो, यू टेल मी ऑफ मार्वलस थिंग्स बट मोर मार्वलस देन एनीथिंग इज द सफरिंग ऑफ मेन एंड वेमेन। तो स्वालो क्या करती थी, हैप्पी प्रिंस को अच्छी अच्छी पॉजिटिव चीज़ें बताती थी। शहर में अगर कुछ अच्छा हो रहा है, खराब खराब चीज़ें नहीं बताती थी। तो ये कहता है कि जो शहर में खराब चीज़ें हो रही हैं ना, कोई दुख है, कोई दुखी है, कोई परेशान है, गरीबी है, तुम वो भी मुझको बताओ, तुम शहर शहर उड़ा करो, फिर वो भी मुझको सारी चीज़ें आकर बताया करो। तो ये पूरा जो स्वालो क्या करती, पूरा दिन उड़ती है और वो देखती है जो अमीर हैं वो बड़े खुश हैं, वो बड़े बड़े घरों में रहते हैं और जो भिखारी हैं, जो बेगर्स हैं, जो पुअर पीपल हैं, दे वर सिटिंग एट द गेट्स, वो गंदे नालों के पास रहते हैं, वो बस्तियों में रहते हैं, उनके बच्चे भूखे हैं और वो दर दर भटक रहे हैं। सो अंडर द आर्क वे ऑफ अ ब्रिज टू लिटिल बॉयज वर लाइंग इन ईच अदर्स आर्म्स टू ट्राई एंड कीप देमसेल्व्स वार्म। सो ब्रिज के आर्क वे, यानी एक ब्रिज होता है उसके नीचे का पोर्शन जो है, तो वहाँ पर दो छोटे लड़के जो हैं वो बेचारे ठंड से कांप रहे हैं और एक दूसरे को हग करके वो एक दूसरे को गर्माहट देने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत भूख से परेशान हैं। अब एक वॉचमैन आता है और उनको डांटता है कि तुम यहाँ पे यहाँ से भाग जाओ। सो वो बच्चे जो होते हैं, वो बारिश भी हो रही होती है और वो बारिश में बेचारे इधर उधर भटक जाते हैं, भाग जाते हैं। तो स्वालो ये सारी चीज़ों को देखती है और आकर प्रिंस को बताती है। प्रिंस कहता है मेरा जो पूरी बॉडी है दैट इज़ गिल्डेड विद फाइन गोल्ड, पूरा गोल्ड से बनी है, तो तुम क्या करो, अपनी बीक की सहायता से, अपनी चोंच की मदद से ये जो पूरी जो परत है गोल्ड की वो पूरी निकालो
और उन बच्चों को दिया वो खुश हो जाएंगे। अब लीफ आफ्टर लीफ ये जो पूरा गोल्ड है स्वालो जो है वो निकाल लेती है और हैप्पी प्रिंस अब कैसा दिखता है, डल एंड ग्रे। और ये पूरा फाइन गोल्ड लेकर क्या करती है स्वालो बर्ड, उन बच्चों को दे आती है। वो बच्चे खुशी से झूम उठते हैं और वो खुश हो जाते हैं कि चलो अब उनके पास खाने को कुछ आ सकेगा। अब बहुत जल्द क्या हुआ, बर्फ पड़ने लगी और बर्फ के बाद फ्रॉस्ट होने लगी। अब स्ट्रीट्स में क्या हो गया, हर जगह बर्फ ढक गई एंड एवरीबडी वेंट अबाउट इन फर्स, और सभी लोग अपने फर्स में आ गए, यानी जो फर्स होते हैं स्वेटर्स होते हैं वैसे पहनने लगे। छोटे छोटे बच्चे भी अपने कैप्स पहनने लगे और आइस पर स्केटिंग करने लगे। लेकिन जो पुअर लिटिल स्वालो थी वो ठंड में, क्योंकि ये बर्ड्स कैसी होती है, ये तो गर्म देशों में जिंदा रह सकती हैं, ज़्यादा ठंड बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो अब तो इतनी सर्दी हो गई थी कि अब लिटिल स्वालो की हिम्मत ख़त्म हो गई थी। बट ही वुड नॉट लीव द प्रिंस, लेकिन उसने डिसीशन लिया था कि वो प्रिंस को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। सो ही पिक्ड अप क्रम्स आउटसाइड द बेकर स्टोर। तो अब बेचारी दर दर भटकती थी खाने के लिए, तो जब बेकर जो होता था वो नहीं देख रहा होता था तो ये छोटे छोटे ब्रेड के पीसेस खा लिया करती थी और अपने आप को गर्म रखने की कोशिश करती थी अपने विंग्स को फ्लैप करके। एट लास्ट उसको मालूम चल गया कि अब वो नहीं बच पाएगी और उसकी डेथ हो जाएगी। तो अब वो क्या करती है, हिम्मत जुटाकर आखिरी बार प्रिंस के शोल्डर पर बैठती है और उसको बोलती है, गुड बाय डियर प्रिंस, विल यू लेट मी किस योर हैंड, और क्या मैं तुम्हारे हाथ पर एक किस कर सकती हूँ एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट। तो अब स्वालो को पता चल गया था कि अब उसकी डेथ हो जाएगी, तो वो आखिरी बार प्रिंस के शोल्डर पर बैठती है और उससे कहती है, क्या मैं तुम्हारे हाथ पर किस कर सकती हूँ रिस्पेक्ट के लिए, आई एम ग्लैड दैट यू आर गोइंग टू इजिप्ट एट लास्ट। और हैप्पी प्रिंस सोचता है कि अच्छा तुम अब इजिप्ट जाने की सोच रही हो, यू हैव स्टेड टू लॉन्ग हेयर बट यू मस्ट किस मी ऑन द लिप्स फॉर आई लव यू। हैप्पी प्रिंस बहुत खुश होता है कि अच्छा तुम इजिप्ट जा रही हो तो बिल्कुल मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ। लिटिल स्वालो कहती है, नहीं मैं इजिप्ट नहीं जा रही हूँ, आई एम गोइंग टू द हाउस ऑफ डेथ, डेथ इज द ब्रदर ऑफ स्लीप। तो वो बताती है प्रिंस को कि हैप्पी प्रिंस अब मेरी जो डेथ होने वाली है, मेरा जो मतलब आखिरी समय आ गया है और मैं इजिप्ट नहीं जा रही हूँ, अब मैं मरने वाली हूँ। और ऐसा कहकर ही वो गिर पड़ती है हैप्पी प्रिंस के पैर। एट दैट मोमेंट एक क्रैक की साउंड आती है स्टैचू के अंदर से, ऐसा लगता है कुछ टूट गया है। और फैक्ट इज जो लेड का हार्ट था हैप्पी प्रिंस का, वो टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, टूट जाता है। अब अगली सुबह मेयर जो होते हैं वो क्या करते हैं, टाउन काउंसलर्स के साथ दौरा करते हैं शहर का। तो जब वो इस स्टैचू को देखते हैं तो कहते हैं ये स्टैचू कितना गंदा दिख रहा है। टाउन काउंसलर्स को बोलते हैं कि तुम ये कैसा दिख रहा है, इसका रूबी गिर गया है, इसकी आईज नहीं है और ये कितना डल और ग्रे नज़र आ रहा है, ये तो भिखारी लग रहा है, लिटिल बेटर देन अ बेगर, एंड देयर हेयर इज एक्चुअली अ डेड बर्ड, और इसके फीट के पास डेड बर्ड भी है। तो वो ऑर्डर देते हैं मेयर के साफ सफाई कराई जाए और स्टैचू को नीचे उतार लिया जाए। और स्टैचू को उन्होंने क्या करा, भट्टी में मेल्ट कर दिया। व्हाट अ स्ट्रेंज थिंग, दिस ब्रोकन लेड हार्ट विल नॉट मेल्ट इन द फर्नेस। और जो ब्रोकन लेड हार्ट था वो फर्नेस, वो भट्टी में बिल्कुल भी जला नहीं, ठीक है। एंड सो दे थ्रू इट ऑन अ डस्ट हीप। तो वो उसको क्या करते हैं, उस लेड हार्ट को कूड़े में फेंक देते हैं और उस डेड स्वालो बर्ड को भी कूड़े में ही फेंक देते हैं। ब्रिंग मी द टू मोस्ट प्रेशियस थिंग्स इन द सिटी, सेड गॉड। तो गॉड अपने एंजल से कहता है, मुझे दो बहुत प्रेशियस चीज़ें लाकर दो। एंजल क्या लाकर देती है, दिस लेड हार्ट ऑफ द हैप्पी प्रिंस एंड द डेड बर्ड। और गॉड बोलते हैं, यू हैव राइटली चोजन, फॉर इन माई गार्डन ऑफ पैराडाइज दिस लिटिल बर्ड शल सिंग फॉर एवर मोर एंड इन माई सिटी ऑफ गोल्ड द हैप्पी प्रिंस शल प्रेज। तो वो गॉड बोलते हैं,
एंजल्स को तुमने बिल्कुल सही दो चीज़ें लाकर दी हैं। ये जो मेरा जो पैराडाइज है, यहाँ पर ये लिटिल बर्ड हमेशा गाना गाएगी और हैप्पी प्रिंस यहाँ पर हमेशा रहेगा। तो ऑस्कर वाइल्ड की ये बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही अमेजिंग स्टोरी थी हैप्पी प्रिंस। ये हमको बेसिक जो वैल्यूज़ हैं, वैल्यू ऑफ एजुकेशन ये हमको देती है कि हमको दूसरों के लिए भी सोचना चाहिए और अमीरी गरीबी का जो भेदभाव होता है उसको ठीक करना चाहिए। तो आई होप आपको चैप्टर की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एडुगॉग को, इससे हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छे कंटेंट के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय।